चार्ली चैपलिन जो थे वो लोगों को हमेशा हंसाते थे। एक दिन उन्होंने जो कहा ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए। मिरर इज माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज वेन आई क्राई इट नेवर लाफ। गैलियम एक ऐसा मेटल है जो रूम के टेम्परेचर में भी पिघल जाता है। और आपने रोड पर इस तरह की लाइंस तो देखी होगी, पर असल में इसका मतलब क्या होता है? आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही फैक्ट्स जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। रोज की तरह वही सेम लाइन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर लें। नंबर 17, दो बेबी गर्ल्स हेजल ग्रेस और केविंस केसलर का अनयूजुअल बर्थ डेट है। इन दोनों बच्चों का जन्म सैटरडे मॉर्निंग में 10:11 पर मोटाना के एक हॉस्पिटल में हुआ था। अगर उनकी बर्थ डेट एंड टाइम को देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कोई नंबर है जो सीरीज वाइज है। नंबर 16, क्या आपको पता है 2022 में मंगल ग्रह पर एक ट्रिप जाएगी जिसके लिए अभी से 1,00,000 लोगों ने अप्लाई कर रखा है। उनके वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, फिर भी पता नहीं इन लोगों को वहाँ पे क्यों जाना है। नंबर 15, चिल आउट रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह से बर्फ से बनाया गया है, यानी कि हर चीज़ चेयर टेबल्स और डेकोरेशन आइटम को बर्फ से बनाया गया है। इस रेस्टोरेंट को दुबई में गर्मियों से बचने के लिए बनाया गया। दुबई की गर्मी से परेशान होने के बाद कई लोग अक्सर यहीं आते हैं। यहाँ अंटार्कटिका जैसी ठंडक का एहसास होता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हमेशा 0 से नीचे रहता है। यहाँ आने वाले हर कस्टमर को एक जैकेट दी जाती है और आपको यहाँ पर खाने के लिए सिर्फ बर्फ से बनी ही चीज़ें ही मिलेगी। नंबर 14, आपने वैसे तो कई फ्लावर्स देखे होंगे लेकिन मंकी फेस आर्चिड फ्लावर देखने में बहुत अजीब लगता है। ये फ्लावर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी मंकी का फेस हो। यह दक्षिणी इक्वाडोर और पेरू के बादल वन में करीब 3,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि फ्लावर पूरे साल ब्लूम्स करता है। इसमें से पके हुए ऑरेंजेस के जैसी स्मेल आती है। नंबर 13, ये तो हम सब जानते हैं कि ब्लड डोनेशन से किसी की भी लाइफ बचाई जा सकती है। अगर मैं पूछूं कि कोई सिंगल पर्सन अपनी पूरी लाइफ में ब्लड डोनेशन करके कितने लोगों की जान बचा सकता है तो आप 10, 15 या फिर 20 लोगों के बारे में सोचोगे। लेकिन आप ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद द गोल्डन आर्म 81 के जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया। उससे 24,00,000 बच्चों की जान बचाई गई। दरअसल उनके ब्लड में एक बहुत रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाली रिसर्च डिजीज के इलाज में उपयोगी है और यही रीज़न है कि वो अकेले इतने लोगों की जान बचा पाए। नंबर 12, कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वो कहते हैं यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा, यहाँ पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहे। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न प्लैनेट और जुपिटर ऐसे ही दो प्लैनेट हैं जहाँ के एनवायरनमेंट में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है और मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वो हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता है जब तक कि वह डायमंड ना बन जाए और इस तरह वहाँ डायमंड की बारिश होती है। नंबर 11, जहाँ भारत में इंसानों की सुविधा के लिए फ्लाई आवर्स या ब्रिज का अभाव है, वहीं नीदरलैंड के द हेग शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया गया ताकि गिलहरियाँ बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सके। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1,08,00,000 रुपये लगे थे। गजब। नंबर 10, और ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये एक फंगस है, इसे गोल्डन जेली फंगस कहा जाता है। इसमें एक फंगस होता है जो एक ह्यूमन के ब्रेन की तरह दिखाई देता है ना। नंबर 9, एक स्वीडिश लेडीज ने अपने ही गार्डन में अपने एक रिंग को खो दिया था और वही रिंग उस लेडी को 16 साल बाद अपने गार्डन में एक कैरेट में फंसी हुई मिलती है। नंबर 8, 1518 में रोमन शहर में एक ऐसी विचित्र नाचने वाली बीमारी फैली जिसे लोगों ने डांसिंग फ्लेग का नाम दिया और इस मिस्ट्री डिजीज को आज तक नहीं समझा जा सका। करीब 400 लोग जो एक रोमन शासित शहर में रहते थे अचानक ही नाचना शुरू किया, जो करीब 1 महीने तक लगातार नाचते ही रहे। इन लोगों में से अधिकतर लोग थकान, हार्ट अटैक तथा ब्लड की नसें फट जाने के कारण मारे गए और यह बीमारी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 7, यह एक कोइंसिडेंट फैक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनेल मेसी से 869 दिन बड़े हैं और आप ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे रोनाल्डो के बेटे रोनाल्डो जूनियर मेसी के बेटे जियांगो से भी 869 दिन बड़े हैं। नंबर 6, स्कूल बस जो होती है उसका कलर येलो होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन की आंखों को किसी और कलर के कंपैरिजन में येलो कलर सबसे जल्दी दिखाई देता है और अंधेरे व कोहरे में भी आसानी से दिख जाता है जिसे एक्सीडेंट से बचा जा सके। नंबर 5, इस पिक्चर में आप जिसे देख रहे हैं ये अलन मैकफेडन है। इनके डेडिकेशन के बारे में अब क्या ही कहें। अलन मैकफेडन एक फोटोग्राफर हैं।
इन्होंने ये पिक्चर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे कैप्चर करने के लिए इन्होंने 6 साल तक 7,20,000 अटेम्प्ट्स किए। बस इसी पिक्चर के लिए इन्होंने इतना टाइम दिया। एड्स ऑफ द डेडिकेशन। नंबर 4, रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया जिले में हाईवे बसुई नाम से एक रहस्यमय जंगल है। यह जंगल बहुत सी भूतिया तथा रहस्यमय गतिविधियों के लिए बदनाम है। जंगल घूमने वाले बहुत से टूरिस्ट जब जंगल घूमकर वापस आते हैं तो उनके शरीर पर जले हुए और क्रोचों के निशान होते हैं, लेकिन उन लोगों के अनुसार उन्हें पता ही नहीं होता है कि यह सब कैसे हुआ। वही कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि अपनी जंगल यात्रा के दौरान उन्हें बीच के कुछ घंटे याद नहीं रहते। इन खोए हुए समय में क्या हुआ इसके बारे में वह पूरी तरह से अनजान होते हैं और वह इसे लुप्त समय कहते हैं। इस क्षेत्र के बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि कुछ भूतिया घटनाएं या भूतिया गतिविधियों की जगह है, परंतु कारण चाहे जो भी हो आज तक यह रहस्य कभी समझ में नहीं आया। नंबर 3, हमारी आंखें 1 करोड़ कलर्स को पहचान सकती है, लेकिन रियलिटी तो यह है कि हमारी आंखें 3 कलर को ही पहचान पाती है, ग्रीन, रेड और ब्लू। इन तीनों कलर के अलग अलग शेड्स मिलाकर 1 करोड़ कलर्स हमारी आंखें देख पाती है। नंबर 2, यदि आप कॉकरोच का सिर काट देते हैं तब भी वह हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, और गजब की बात तो यह है कि 1 हफ्ते बाद भी उसकी मौत सिर कटने की वजह से नहीं होती बल्कि भूख की वजह से होती है। नंबर 1, अगर आप रोड पर इस तरह की कटी हुई लाइन को देखते हो इसका मतलब होता है कि आप ओवरटेक कर सकते हो, और अगर इस तरह की लाइन बनी हुई है रोड पर तो इसका मतलब होता है आप ओवरटेक सावधानी से करें, और जब कुछ इस तरह की आप रोड पर लाइन्स देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप ओवरटेक ना करें, यह आपके लिए एक रिस्क हो सकता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें।